प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके थे, अब हम अपना तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सो बेटा ओपन योर बुक्स। बेटा ओपन पेज नंबर 4। स्टार्ट। बेटा स्टार्ट में आप लोगों को पढ़ना बता रही हूँ कि 3rd क्वेश्चन है, राइट द मिसिंग पोजिशंस ऑफ द व्हील्स। हमने पीछे एनिमल्स की पोजिशन पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे व्हील्स की पोजिशन। तो बेटा यहाँ देखिए, येलो वाली कार जो है इसका फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट के बाद हमने क्या सीखा था? सेकंड। क्या सीखा था? सेकंड। सेकंड के बाद क्या आता है बताएं, किसी को पता है? थर्ड। थर्ड। थर्ड के बाद क्या आता है? फोर्थ। आप सब ने याद किए होंगे ये। फिफ्थ इन लोगों ने दिया हुआ है, अब हम करेंगे सिक्स। सिक्स लिखा यहाँ पर, और सिक्स के बाद क्या आता है? सेवन्थ। सेवन्थ के बाद एट। नाइन्थ इन लोगों ने हमें दिया हुआ है हमारी आसानी के लिए, इसके बाद हम लिखेंगे टेंथ। इलेवेंथ इन्होंने दिया हुआ है, अब हम लिखेंगे ट्वेल्थ। फिर हम लिखेंगे थर्टीन। फोर्टीन इन्होंने दिया हुआ है, अब हम यहाँ लिखेंगे फिफ्टीन। सिक्सटीन, सेवनटीन के बाद एटीनथ, उसके बाद नाइनटीन। अब बेटा ये हमारा हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। राइट द ऑर्डिनल नंबर्स ऑफ व्हील्स इन फिगर्स एंड वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द पोजिशन शोन इन द अबव पिक्चर। मतलब जो ऊपर हमें पोजिशन देनी है जिस भी कार की, वो हमने नीचे लिखनी है। ये रेड वाली कार जो है ये है सेकंड नंबर पर, तो इन लोगों ने ये दिया हुआ है सेकंड। और अब ये वाला जो ये वाला ट्रक है ये है, ढूंढते अब हम कहाँ आएंगे, फिफ्थ नंबर पर है ये। फिफ्थ नंबर को पहले फिगर में लिखेंगे, उसके बाद हम इसे लिखेंगे स्पेलिंग्स में फिफ्थ। उसके बाद ये वाला कहाँ है, यह है इलेवेंथ पर। आप सब देख रहे हैं ये इलेवेंथ पर है। अब हम यहाँ इलेवेंथ पहले फिगर्स में लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ड्स में लिखेंगे। तो बेटा ये वाला देखें, ये सबसे बड़ा है। ये कहाँ पर है? सेवनटीन पर। ये सेवनटीन यहाँ पर फिगर्स में लिखेंगे, उसके बाद वर्ड्स में। उसके बाद ये वाला कहाँ है, ये शायद क्रेन है शायद, इसे देखते हैं ये कहाँ है। 20 पर है, यहाँ पर 20 लिखेंगे। उसके बाद ये वाली कहाँ है, ये ढूंढे, सब ढूंढे मेरे साथ, ये है यहाँ पर 12th। उसके बाद ये येलो वाली कार का है फर्स्ट पर, फर्स्ट लिखेंगे हम लोग। और उसके बाद ये ग्रीन वाली कार का है फोर्थ पर, फोर्थ लिखो, सब मेरे साथ लिखें बच्चों, फोर्थ लिखें। अब ये था हमारा 22 का वर्क। आप सबको समझ आया होगा, आप सबको उम्मीद है मुझे समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज खोलेंगे, नेक्स्ट पेज खोलें सब बच्चे मेरे साथ। बेटा अब हम ओपन करेंगे पेज नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 2। अब देखें आप, राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। अब ये नंबर दिए गए हमें 35, ये नंबर इन वर्ड्स और ये इन फिगर्स। फिगर्स में हमें दिए गए, अब हम वर्ड्स में लिखेंगे इन्हें। 75, आप सबको स्पेलिंग याद है, स्पेलिंग लिखेंगे एस ई वी ई एन टी वाई 70, एफ आई वी ई 5। ये है 100, एच यू एन डी आर ई डी 100। ये है 48, एफ ओ यू आर टी वाई 40, ई आई जी एस टी 8, 48। उसके बाद 29, टी डब्ल्यू ई एन टी वाई 20, एन आई एन ई 9। उसके बाद है 93, एन आई एन ई टी वाई 90, टी एच आर डबल ई 3। उसके बाद है 67, एस आई एक्स टी वाई 60, एस ई वी ई एन 67। 89, ई आई जी एस टी वाई 80, एन आई एन ई 9। 47, F O U R T Y 40, S E V E N 47। आप सबको स्पेलिंग्स याद होंगी, आपने फर्स्ट क्लास में याद की होंगी शायद। अब लिखिए 79, S E V E N T Y 70, N I N E 9, 79। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, जॉइन द गिवन नंबर्स इन फिगर्स विथ नंबर्स इन वर्ड्स। मतलब जो फिगर्स में जो नंबर दिए गए हमें, हमें उन्हें नंबर इन वर्ड्स से मैच करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे 40 को। 40 कहाँ है बेटा, सब देखें, 40 है यहाँ पर, तो अब हम इसे यहाँ पर मैच करेंगे। उसके बाद है 57, 57 किसी को दिख रहा है कहाँ है 57? यहाँ पर है 57।
तो बेटा अब ये आप लोगों को समझ आ गया कि इस तरीके से करना है। आप लोगों ने अब इसे काउंट कर करके जैसे 64, 81, 40, 32, 57, 59, 96, 89, 25 और 72 इस तरीके से आपने खुद मैच करना है इनको। बेटा ये पेज नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप एक पीछे एक पेज पीछे टर्न करें, पेज नंबर 5 खोलें। ये आप लोगों का 22 का होमवर्क है, 1 से लेकर 50 तक इन वर्ड्स और इन फिगर्स आपने दोनों याद करनी है। और ये है 23 का, ये 100 तक हो जाएगा। आप लोग 26 को आकर हमें लिख कर भी लाएंगे और आकर सुनाएंगे भी आप हमें। अब बेटा अपनी डायरी ओपन। बेटा ये आप लोगों की डायरी है, मैथ रिमेंबर 1 to 100 ऑर्डिनल नंबर्स इन वर्ड्स और इन फिगर्स। आपने फिगर्स और वर्ड्स में 1 से 100 तक स्पेलिंग याद करनी है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।